बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शासन ने उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और अब 1 अप्रैल से बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिलेगा। सरकार की एडवाइजरी में 12 राज्यों को लेकर सख्ती दिखाई गई है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। उत्तराखंड सरकार ने 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को अति आवश्यक होने पर ही यात्रा की सलाह दी है। जिला प्रशासन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बॉर्डर चेक पोस्ट पर टेस्टिंग या चेकिंग की व्यवस्था की जाएगी। और इस वक्त रुक करेंगे अपने सहयोगी का, मयंक राय इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, कोरोना के केसेस उत्तराखंड में भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसको लेकर अब एडवाइजरी भी जारी हो गई है, सख्ती और ज्यादा। बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको पिछला वर्ष अच्छी तरह से याद होगा और हम लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें देखी है कोरोना की, जिसमें लोगों की जाने गई, किस तरह से लोग एक प्रदेश को छोड़ के अपने घर की तरफ गए, तमाम सारी दिक्कतें हुई। एक बार फिर से वही स्ट्रेन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और निश्चित तौर पे जो ये सख्ती बरती जा रही है, इसी मद्देनजर बरती जा रही है ताकि इस खतरे को कम किया जा सके, इससे बचा जा सके। उत्तराखंड में चूंकि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, एक महीना जो अगला पूरा कुंभ का है, इसमें काफी चुनौतियां रहेंगी जो प्रशासन और सरकार के सामने कि कोविड से किस तरह से बचा जाए, और उसी को देखते हुए ये तमाम जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, आपने तमाम जो 12 राज्यों का जिक्र किया, उनमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जो हमारे राज्य की सीमा से लगते हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है यहां आता है। और दूसरी बड़ी बात यह कि कुंभ में बहुत सारे लोगों का आना होता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो हरिद्वार और ऋषिकेश जो क्षेत्र है देहरादून का, वहां पे रुक करते हैं। ऐसे में जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी को देखते हुए शासन और प्रशासन स्तर पे लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है और बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड कोई भी आएगा उसके लिए कोविड निगेटिव की रिपोर्ट जरूरी है। और आज रात 12 बजे से जो गाइडलाइन जारी की गई है वो प्रदेश में जारी हो जाएगी, और जारी होने के साथ ही जो खास तौर पे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे रैंडम चेकिंग की जाएगी, और किसी के अंदर अगर खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण मिलते हैं तो उसे तुरंत क्वारंटीन किया जाएगा। बिल्कुल मयंक, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि रैंडम टेस्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है, और बाहर से अगर कोई भी शख्स उत्तराखंड में एंटर करता है तो उसे नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी, लेकिन अस्पताल इन सब चीजों के लिए कितने तैयार दिखाई दे रहे हैं? देखिए अस्पतालों के लिए भी गाइडलाइन जारी हुआ है कि जो अस्पताल जो खास तौर पे जो कोविड के लिए हॉस्पिटल बनाए गए थे पिछले साल, वहाँ फिर से एक बार अलर्ट जारी किया गया है कि डॉक्टर्स और जो अस्पताल के स्टाफ हैं जो लगातार पिछले साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर बन के उभरे हैं, उनको फिर से एक बार अलर्ट मोड पर लाया गया है कि अगर सिचुएशन पैनिक होती है तो आप लोग पूरी तरह से तैयार रहें। अस्पतालों में व्यवस्थाएं मुकम्मल है, अस्पताल स्तर पे कहीं कोई कोताही नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये जरूर है दिव्या कि लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कई बार लोग अब मास्क से गुरेज करने लगे हैं, तो निश्चित तौर पे मास्क ही एक ऐसा जो प्राइमरी ये कह सकता प्रिकॉशन है जो आपको इस खतरे से बचा सकता है। ऐसे में सरकार की कोशिश भी यही है कि लोग खुद अवेयर हों, और तमाम सारे जो अवेयरनेस कैंपेन हैं अब वो शुरू किए जा रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जा सके, मास्क लगाएं, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा तो कई तरीके की जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि विशेष सावधानी, सतर्कता बरती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयंक हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने लोगों से वैक्सीनेशन की अपील की है, और सीएम ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार ने कोरोना मुक्त भारत की दिशा में एक और निर्णायक कदम आगे बढ़ाया है। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। मेरा भी से यह अनुरोध है सभी से कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। कुंभ नगरी हरिद्वार में कोरोना विस्फोट हुआ है और हरिद्वार से सटे
हरिपुर कला में मौजूद गीता कुटीर आश्रम में 32 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आश्रम को सील किया। बढ़ते कोरोना केस पर कुंभ मेले के स्वास्थ्य अधिकारी और आईजी ने चिंता जाहिर की है। हरिद्वार में एक हफ्ते में 300 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारी ने निर्देशित किया है कि जो भी लोग आश्रम मठ मंदिरों में दर्शन के लिए आ रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग हो और कोरोना के लक्षण दिखने पर फौरन स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। उधर पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। कला में जो आश्रम है गीता सदन, वहाँ पर 32 श्रद्धालुओं का पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जो बड़ी चिंता के विषय है। इस संबंध में सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आश्रम है हमारे, जितने भी सब सरोवरों पर, जैसा आप जानते हैं सभी आश्रम है, सभी के संचालकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो भी यात्री या श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं उनकी कम से कम थर्मल स्क्रीनिंग कराएं, जैसा कि पूर्व की मीटिंग में हमारे और मेला अधिकारी द्वारा उनसे निवेदित किया गया था। तो दूसरा, जो भी अगर श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं और उनकी कोई लगता है कि जुकाम जैसे लक्षण है या बुखार आ रहा है या कोई भी अन्य समस्या है, तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। तरह से तेजी से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि हमें जो SOP को लागू और ज़्यादा सख्ती से करने की आवश्यकता है। और क्योंकि जो SOP है ये 1 अप्रैल जैसी कुंभ अवधि का नोटिफिकेशन हो जाता है उसके साथ प्रभावी हो जाएगी, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हम लोग इसको लागू भी करवाएंगे। और जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया में जो एंट्री पॉइंट है वहाँ अलग से पुलिस बल को और पैरामिलिट्री फोर्सेज को लगा रहे हैं। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है और राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन लगाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। CMO डॉक्टर अनूप डिमरी का कहना है कि 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। CMO ने कहा कि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है और इसको लेकर कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। से यानी 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी को वैक्सीन लगना है। अभी तक हमने कुल मिला के लगभग 1,48,000 लोगों को हम लोग अभी वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसमें अभी मैं सिर्फ आपको फर्स्ट डोज ही बता रहा हूँ, सेकंड डोज भी है। तो फर्स्ट डोज हम अभी तक 1,48,000 लोगों को लगा चुके हैं और आज भी हमारे पूरे राज्य में, सॉरी हमारे जनपद में आज भी हमने 86 सेंटर्स पर हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है और इसको धीरे धीरे और जगह भी बढ़ाया जा रहा है।